Hello friends, in this lecture we will discuss hydrostatic forces acting on inclined surface and curved surface. So let's start with the hydrostatic forces acting on inclined plane surface. That plane is submerged in a liquid. So again here I am considering one plane which is submerged in a liquid. So here you can see that this is the plate. This is the body which is submerged into this liquid, and this body is making an angle theta with the free surface of water or liquid. If I see this body from this side, then I can see this shape, true shape, and this is the free surface. If I try to draw the axis around this, then this axis will be like this. This is what you have learned in engineering graphics. Okay, so what I'm saying, this is the liquid. One inclined body is submerged into the liquid, so you can see that this black line is the submerged body. This is the true shape. Yahan se agar jab hum dekhenge to aap log true shape projection jab find out karte the in engineering graphics, aap logo ne is tarike se draw kiya hai. Main ek bar aur explain karta hu. This is the water level, yahan tak liquid, water means liquid level. Yahan par एट सर्टेन एंगल मैंने यहाँ पर बॉडी इंसर्ट किया. दिस इज द थीटा. तो इन दिस वे द बॉडी इज सबमर्ज इन टू द लिक्विड. कंसिडर दैट दिस इज योर नोटबुक. अगर आपके नोटबुक इस तरीके से देखेंगे सो द नोटबुक विल बी लाइक दिस. करेक्ट. मैं अगर ऐसा ऊपर से इस साइड से देखूंगा उसको, सो मुझे पूरा नोटबुक का फ्रंट दिखेगा पूरा ही. और यहां से क्या दिख रहा है, सिर्फ थिकनेस ऑफ द नोटबुक. सो द सेम थिंग हियर आई हैव टेकन ऑर्बिटरी शेप बॉडी. यहां पर ये ऑर्बिटरी शेप बॉडी है, इसका कुछ थिकनेस होगा. वो थिकनेस हमको सिर्फ यहां पर दिख रहा है फ्रॉम हियर. और मैं जब यहां से उस बॉडी को देखूंगा फ्रॉम दिस साइड, सो आई कैन सी द होल बॉडी. दिस इज द होल बॉडी. नाउ फ्रॉम दिस साइड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा. किसके साथ एंगल कर रहा है वो, वे तो फ्री सरफेस. लेकिन जब मैं यहां से देख रहा हूं इस बॉडी को, तो ये जो है दिस इज ऑल्सो मेकिंग सम एंगल. ये भी एक एक्सिस रहेगा, ओ ओ एक्सिस. एक्सिस ओ ओ इज परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. एक्सिस ओ ओ इज ऑल्सो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. दिस इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू इमेजिन, एक बकेट है, वो बकेट के अंदर आपने रेक्टेंगुलर प्लेट इंसर्ट कर दिया, ठीक है. और अगर आप साइड से देखोगे, सपोज लो वो ट्रांसपेरेंट बकेट है, तो अगर मैं साइड से देखूंगा बकेट के वॉल से उसको देखूंगा, तो मुझे ये रेक्टेंगुलर शेप का सिर्फ थिकनेस दिखेगा. एक्चुअल बॉडी कैसा है, समथिंग लाइक दिस, उसको कुछ थिकनेस है लाइक दिस. इसको मैंने इंक्लाइन प्लेन में डाल दिया, तो मुझे सिर्फ ये दिख रहा है. व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर वन, ये दिख रहा है मुझे. अभी मैं जब यहां से देखूंगा उसको, यहां से देखूंगा, तो मुझे ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा. अभी ये क्या था, ये दिस इज द एंगल थीटा. किसके साथ, ये वाले प्लेन के साथ, फ्री सरफेस ऑफ वाटर. लेकिन मैं जब यहां से देखूंगा तभी भी ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर रहेगा, और उसको ये इंक्लाइंड हो रहा है, जो मैं यहां पर एंगल नहीं बता सकता. मुझे यहां से देखते वक्त दोनों एक ही लाइन में दिखेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे यहां पर दिख रहे हैं हमको. दिस एक्सिस ओ ओ एंड दिस बॉडी इज इन वन लाइन. एक्चुअल में है नहीं वो, लेकिन हमको दिख रहे हैं वैसे. ये जो लाइन है ये पानी के अंदर का लाइन नहीं है. दिस इज ऑल्सो फ्री सरफेस, लेकिन मैं यहां से देख रहा हूं अभी वो फ्री सरफेस. सो नाउ अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव टू फाइंड आउट टोटल फोर्स एफ एंड एच स्टार. आई हैव टू फाइंड टोटल फोर्स. हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई एम गोइंग टू डिवाइड द होल सर्फेस इंटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स. फिर एक स्ट्रिप के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है वो देखेंगे, दैट प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा वो एक स्ट्रिप का. फिर हम उसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन से मुझे पूरे सरफेस का फोर्स मिल जाएगा. बट हियर व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगर मैं यहां पर कहीं पर भी एक स्ट्रिप लेता हूं, लेट्स से मैंने यहां पर ये एक स्ट्रिप लिया, ये ऐसा स्ट्रिप लिया, सो ये पूरा स्ट्रिप मुझे इस तरीके से दिखेगा ना, तो ये पार्ट मुझे दिख रहा है यहां पर. और अगर मैं फ्रंट सरफेस से देखूंगा तो दिस इज द स्ट्रिप. So if this is the strip I have considered, ये
स्ट्रिप का हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस विल बी एच, यहाँ का इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पर कुछ रहेगा विच इज सी जी. अगर मैं ये यहाँ से देखता हूँ सो समवेयर हियर यहाँ पर उसका कुछ सी जी रहेगा, लेट्स से ये पॉइंट पर ही सी जी है. अगर ये सी जी है सो दिस हाइट विल बी एच बार, और कहीं नीचे के पॉइंट पर वो एच स्टार से वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है. This is not the actual height. क्योंकि ये object तो inclined है. This is the vertical height from the free surface of water. This is not the exact height. ये CG भी जो है वो free surface of water से है. अगर मैं इसको और थोड़ा depth में नीचे ढकेल दूँ ये plate को, तो ये h का height change हो जाएगा, h star change हो जाएगा. So I cannot consider this as the actual height. So I have to take all these height from this axis. मुझे ये एक्सिस से सबको काउंट करना पड़ेगा. ये एच है सो आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट, आई एम गोइंग टू कंसिडर द नोटेशन वाई. सो फ्रॉम ओ ओ दिस इज द डिस्टेंस वाई, द थिकनेस अप टू दिस, द थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रिप इज डी वाई. सो दिस इज डी वाई. इफ दिस पॉइंट इज एच बार सो दिस पॉइंट इज हियर एच बार, देन दिस हाइट will be y bar, और इसके नीचे यहाँ पर कहीं pressure point P है, point of application, so this will be y star. Now here, यहाँ पर you can see that this is making a triangle, this y and this h and this y, मतलब यहाँ पर here you can see that triangle form हो रहा है, मैं यहाँ पर draw करता हूँ वो triangle. ये कुछ इस तरीके से, दिस इज थीटा. हियर यू कैन सी विथ एच, विथ दिस एच ऑल्सो एंड दिस. सो दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज एच एंड दिस इज थीटा, लाइक दिस. सो ये इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ यही सरफेस को, सो यू कैन सी दैट इफ दिस इज एच, यहाँ पर कहीं पर एच बार है और दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और यहाँ पर ही आगे कहीं पर एच स्टार है. If this is y, then it is y bar, and up to this, ये जो नीचे वाला रहेगा up to h star, this is y star. So from this triangle, from this theta, I can write, मुझे अगर h और y के बीच में relation find out करना है तो I can write that sine theta is equal to opposite side upon hypotenuse. So here opposite side is h and hypotenuse is y. So h upon y. Also I can write sine theta is equal to h bar upon y bar. So sine theta is equal to h bar upon y bar. Also I can write sine theta is equal to h star upon y star. मैंने अभी तक क्या क्या बताया? Consider a plane surface of arbitrary shape immersed in a liquid such that plane of the surface makes an angle theta with the free surface of a liquid as shown in figure. So A is the total area of the inclined plane. Usual notations, h bar is the distance of CG of an inclined area from the free surface of a liquid. G is the center of gravity, P is the center of pressure, H star distance of center of pressure from free surface of liquid, and theta is the angle made by the plane of the surface and free surface of the liquid. So here OO is the axis perpendicular to the plane of a surface. I have already explained this. I have also explained what is Y bar and what is Y star. And we have to find out total pressure force and center of pressure, starting with total pressure force F. So again, for total pressure force, we are going to divide the whole object into number of strips. So already we have done this. So pressure acting on each strip or one strip is P is equal to rho gh. H is the height from the free surface of water. So pressure force DF on that strip is equal to P into area of the strip. Area of the strip is dA, P is rho gh. So dF is equal to rho gh into dA. To find out the total pressure force on a surface, I have to integrate dF.
सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल टू रो जी एच इन टू डी ए, यहाँ तक सेम है जैसा हमने पहले किया था. नाउ हियर एच आई हैव टू रिप्लेस बिकॉज उसका एक्चुअल डिस्टेंस ये नहीं है, उसका एक्चुअल डिस्टेंस मुझे यहाँ से मिलेगा. फ्रॉम वाई आई विल गेट द एक्चुअल डिस्टेंस. सो आई नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाय वाई, एच बार बाय वाई बार एंड एच स्टार बाय वाई स्टार. सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट एच इज इक्वल टू वाई साइन थीटा. So I'm going to put this y sin theta in this equation. So f is equal to integration of rho g y sin theta, ye h ko replace kiya humne, into dA. Sin theta constant hai, usko bahar le liya. Integration of y into dA. What is y? Y is a distance from a free surface and dA is the area. This is moment of area. For the strip, agar mujhe whole body ke liye chahiye hai, so I have to convert this dA into A and this y will be the distance from the center of gravity. So y bar. So this term is equal to A y bar. So F is equal to rho g sin theta A y bar. Now again from that sin theta I can say y bar sin theta is equal to H bar only. Ye kahan se aaya? From this y bar sin theta is equal to h bar only. So f is equal to rho g a h bar. So formula is same, but h bar here you have to find out. Next, to find out center of pressure. So center of pressure p kuch yahan par rahega, uske liye distance hai h star and from the oo axis it is y star. So how to find out h star? Again by using principle of moment, Verignon's theorem. What is Verignon's theorem? Resultant moment is equal to the addition of all the components of the moment. So resultant moment kaise rahega? Force into distance. So resultant force is F and that distance is applying from the point P. Uska distance hai H star. Yahan par humko inclined plane hone ki wajah se lena padega Y star. So moment of total force or resultant force is equal to F into y star. Now this is equal to summation of all the moments. So summation of all the moments matlab har ek strip uska jo moment rahega wo humko consider karna padega. So moment for one strip I am going to find out. So pressure force on the strip is rho g h into dA. H ko wapis y sin theta into dA kiya. df ka value find out kar raha hu main. This is df जो हमने पहले फाइंड आउट किया है ऑलरेडी. नाउ व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट इज डीएफ इनटू वाई. व्हाट इज डीएफ? फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्ट्रिप. एंड व्हाट इज वाई? वाई इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस. सो दिस विल बी द मोमेंट ऑन एक्सिस ओओ. सिंप्लीफाई करने के बाद डीएफ का वैल्यू डाला एंड आई विल गेट दिस. Now if I want to find out moment for all the strips then I have to integrate this and I will take out all the constant outside. So here the constant is rho g sin theta. ये बाहर ले लिया. So integration of y square into dA. What is this? Moment of inertia of a surface about OO. This is equal to IO. Moment of inertia को हम OO. So I'm going to put this here. So this sum of all the moments क्या रहेगा? Rho g sin theta I zero. ये किसके साथ equate कर रहे हैं हम? Through Verignon's theorem. F into y star. Equation 1, this F into y star. I'm going to equate both the things here. F into y star is equal to rho g sin theta into I0. So y star is equal to rho g sin theta I0 upon F. Now I'm going to put the value of y star, I0 and F so that I can convert this into h star. Kyunki mujhe y star aur h star ka relation pata hai. Through sin, I can correlate this. So y star is equal to h star upon sin theta. F is equal to rho g a h bar. And I0 is equal to ig plus a y bar square. I'm going to put this value in this equation. So I will get h star is equal to ig sin square theta upon a h bar plus h bar. This is what we have to find out. After that, last derivation is curved surface submerged in a liquid. Now, in case 4, before discussing
डेरिवेशन ऑफ कर्व सरफेस सबमर्ज इन लिक्विड, आई विल टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कर्व सरफेस व्हेन द कर्व सरफेस इज सबमर्ज इन टू अ लिक्विड. सो लेट्स कंसिडर दैट वी हैव अ कर्व सरफेस लाइक दिस. I am taking a random shape curved surface. So we assume that this curved surface is submerged into a liquid. So we assume that the water is present up to this. Now here, force acting on the curved surface is like this, because at every point in a curved surface, the water pressure is changing continuously. So here the force acting on this curved surface is like this. Now if this force is inclined, then this inclined force has a two component, FH and FV. To find out the resultant force, we first have to calculate FH and FV. Now what is FH? How to calculate FH? FH is equal to rho G H bar AH. Here AH is the projection of area in horizontal direction in vertical plane. What it means? Which area we are talking here? We are talking about this area. Means for this resultant force, we have two component, horizontal component and vertical component. This horizontal force is imparting its force on this surface, and h bar here we can calculate by considering this surface as a rectangular surface. For a rectangular surface, we know that this height divided by 2 will be the h bar. This way we will find out this FH force. Now how to calculate FV? FV is equal to W. This W means the weight of the fluid which is present in a vertical column. So it means the fluid present in this area is imparting the force in a vertically downward direction on this curved surface. So weight supported by this curved surface in a vertical direction is this W. So FH we will calculate with the help of this formula, and FV we will calculate by considering the weight in a vertical direction in a vertical column above the curved surface. Once we get FH and FV, then we can find out the resultant force F, like this: FH square plus FV square. So this way we are going to find out the forces acting on the curved surface. Let's see in the derivation. अभी कर्व सरफेस हमने हॉरिजॉन्टल देख लिया, वर्टिकल देख लिया, इंक्लाइन देख लिया. कर्व सरफेस मतलब कुछ इस तरीके का, दिस टाइप ऑफ शेप. इफ दिस शेप इज सबमर्ज इन अ लिक्विड, व्हाट आर द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, दैट वी हैव टू फाइंड. इन अ कर्व सरफेस प्रेशर एट एवरी पॉइंट चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि कहीं पर भी सेम नहीं है, हर एक पॉइंट पर ये प्रेशर चेंज होते जाएगा क्योंकि डेप्थ बढ़ते जा रहा है. सो ऑन एवरी पॉइंट द प्रेशर इज गोइंग टू चेंज. सो हाउ आई हैव टू फाइंड दिस? अगेन आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस कर्व सरफेस एंड आई एम कंसिडरिंग दैट डीएफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सरफेस. एज दिस डीएफ इज इंक्लाइंड, इट हैज अ टू कंपोनेंट. दिस फोर्स हैज अ टू कंपोनेंट, वन इज इन horizontal direction, one is in vertical direction. So this is DFH, horizontal force component is DFH, and vertical force component is DFV. Now this small object, ये जो small object है, इसको मैंने यहाँ पर बड़े इसमें बताया है. This is what the surface which I have considered, which I have taken in consideration. So here you can say that this angle theta is making an angle with the horizontal plane. So here what I am assuming that this is the area dA. मैं अलग अलग कलर से बताता हूँ यहाँ पर, so that you can understand. So ये जो inclined portion है, this is dA. This is dA. ओके, जो इंक्लाइन प्लेन है.
डीए के ऊपर क्या है, डीए के ऊपर ये डीएफ एक्ट कर रहा है. व्हाट इज डीएएच, डीएएच इज दिस सरफेस. The surface, what is DAH? This is a projection of area DA in a horizontal direction in a vertical plane. So this is a vertical plane. On this vertical plane, jo dotted line mein bataya hai, on this vertical plane, this is the horizontal projection. So this is DAH. Or what is DAV? DAV ye jo base plate hai. This is the base plate. This is DAV. So here I am considering an elemental area DA which makes an angle theta with the horizontal. As I told, the normal force acting on this area is DF is equal to pressure into DA. DF is the force acting. Wo DF kitna hai? Pressure into DA. Ye humko find out karna hai ki kya rahega ye pressure into DA. Now here pressure is rho GH. For every point H is changing, so accordingly jo bhi H rahega, that is rho g H, and into D area is dA. Now if I want to find out the horizontal component of this, then dFH is equal to dF sin theta. This dFH is equal to dF sin theta because this is making an angle theta with a vertical plane, so I am going to consider sin theta. So dFH is equal to dF sin theta. What is dF? dF is rho gh into dA sin theta. So this is dFH. Now here dA sin theta from this triangle, if I draw this again here, this is dAH, this is dAV, this is dA, this is theta. So sin theta is equal to what? Opposite side upon hypotenuse. So DAH upon DA. So DAH is equal to what? DA sin theta. So DA sin theta, I can write DAH. Now, what is this? This is DFH. If I want to find out the total force acting in a horizontal direction, I have to integrate this. To find out the total force component or force acting in a on a horizontal surface, vertical plane par jo force act kar raha hai, jo ye dotted line par act kar raha hai, dfh kahan par act kar raha hai, this plane pe. So I have to integrate this. So I am going to take this rho gh into dah. So h into dah is what? Moment of a surface, jaisa humne pehle find out kiya tha. So dAH is a small component. If I want to take the whole area on a vertical plane, then this dAH will be AH, matlab ye pura portion, matlab ye pura portion, agar ye mujhe pura lena hai, this is AH. So AH, aur ye kahan se act karega, iska center of gravity jahan par rahega, that will be the H bar. So this is component FH. Similarly, I will find out FV. What will be the FV? So vertical component DFV is equal to DF cos theta. From this, DFV is equal to DF cos theta. What is DF? DF is rho GH into DA and cos theta as it is. DA cos theta is DAV. Cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. So if this is a theta, adjacent side is DAV upon DA. So DAV is equal to DA cos theta. This is DAV. Now what is DAV? Projection of area DA in a vertical direction in a horizontal plane. Matlab kya? Vertical direction mein. Matlab ye side mein. और प्लेन कौन सा? हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाले प्लेन.
मतलब इसके ऊपर का जो भी एरिया है दैट विल बी डी ए वी, और हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला एरिया जो भी आ रहा है यहाँ से दिस एरिया, ये जो भी एरिया रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डी ए वी क्या है, ये कर्व सरफेस के ऊपर वर्टिकल डिरेक्शन में जो भी एरिया रहेगा दैट विल बी डी ए वी। तो देयरफॉर नेट वर्टिकल फोर्स ऑन एंटायर सरफेस, ये डी ए वी फाइंड आउट कर लिया, अब मुझे पूरे सरफेस पे फाइंड आउट करना है, तो आई हैव टू इंटीग्रेट दिस। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वी, ये पूरे टर्म को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सो दैट आई कैन गेट द टोटल एफ वर्टिकल फोर्स। सो रो जी एच डी ए वी, रो जी कॉमन ले लिया, एच इंटू डी ए वी, व्हाट इज दिस एच इंटू डी ए वी, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विच इज इंक्लूडेड इन दिस पोर्शन। ये वर्टिकल साइड में जब ऊपर जा रहा है तो जो भी जितना भी अप टू फ्री सरफेस ऑफ वाटर जितना भी लिक्विड आ रहा है दैट इज द टोटल वॉल्यूम। डी ए इज मीटर स्क्वायर, एच इज इन मीटर, सो एनी वे दिस इज अ वॉल्यूम, मीटर क्यूब वॉल्यूम। सो एच इंटू डी ए वी, इन दैट आई एम कंसिडरिंग द टोटल वॉल्यूम कंटेन बिटवीन द कर्व सरफेस एक्सटेंडेड अप टू अ फ्री सरफेस। रो जी वी, रो इंटू वी, आई नो दैट दैट इज अ मास, एम इंटू जी इज द वेट, डब्ल्यू, सो दिस इज द टोटल वेट, वेट ऑफ द वॉटर और अ लिक्विड विच इज एक्टिंग इन अ वर्टिकल डिरेक्शन, सो दिस इज डब्ल्यू। ऑल्सो ये इसको हम दूसरे, ये इतना पोर्शन को मैं और दूसरे तरीके से भी डिस्कस कर सकता हूँ लाइक दैट। डी डब्ल्यू इज वॉट, यहाँ पर अगर मैं डी डब्ल्यू लेता हूँ तो डी डब्ल्यू क्या रहेगा, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम सपोर्टेड बाय डी ए विच इज एक्सटेंडेड वर्टिकली अप टू अ फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड। मतलब यही पोर्शन की मैं वापस बात कर रहा हूँ, दिस वन डी ए जो कवर कर रहा है इन वर्टिकल डिरेक्शन अप टू फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड, that is the weight of water, weight of a liquid column. So dfv is equal to dw, I can write this. If I integrate this to find out fv, I have to integrate this also. So integrate karne ke baad dw kya ho jayega, w ho jayega, so same answer I will get, fv is equal to w. Here also fv is equal to w. And if I want to find out resultant hydrostatic force on a plane which is f, then I have to take under root of fh square plus fv square, and if I want to find out the angle then tan alpha is equal to fv upon fh. So this is the forces acting on curved surface. Jab iske numerical lenge tab aapko aur clear hoga. Please like, share and subscribe if you like this video.